क्या करना चाह रहा है? चार्जर देख रहा हूं। चार्जर साइड पे होता है। संडे को फोन काम करता है। जी बहुत ही जो है ना मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करके हमने ट्रेन पकड़ी है। सारी रात सोए भी नहीं है। हमने तो सही नींद पूरी की है। अब कितनी देर का सफर है हमारा चौधरी? कितने घंटे का सफर है? 5 घंटे का। अब 5 घंटे सिर्फ नींद पूरी करनी है और कुछ नहीं करना। फिर बाहर जाके जो है ना कुछ नहीं होना। अच्छा जब पहुंच जाए ना मुझे उठा देना। ठीक हो गया। ये देखो ये शो करवा रहा है जिसमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बहुत ही कमाल किस्म की नींद आई है। 4 घंटों का पता ही नहीं चला। खैर अभी हम कहाँ पे हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे तो देख ही लिया। फिर नाश्ता कर लें, फिर नाश्ते के बाद बताते हैं सारी चीज़ें। ओके तो अब जो है ना नाश्ता भी कर लिया है, नींद भी पूरी हो गई है, अब हम बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। बीच में अपनी जो है बोंगियाँ नहीं मारती। ये दोबारा शुरू कर। ओके तो अभी हम हैं जर्मनी की एक सिटी कोलोन में और यहाँ पे हम आए हैं स्पेशली एक मस्जिद को देखने जो कि काफ़ी मशहूर यहाँ की मस्जिद है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं बता दूँ कि मेरे साथ कौन कौन से लोग हैं। ये दो को तो आप जानते हैं, ये इनाम जो कि 2-4 दफ़ा आ चुका है। हाजी जो कि हमेशा सिर्फ छुपता ही रहता है वीडियो में। और एक हमारे साथ आज नया बंदा है। अस्सलाम वालेकुम। इसका नाम है शुएब और ये यहाँ पे है एज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट आए थे ना? यस जी। तो अगर किसी को कोई स्टूडेंट वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस बंदे को जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। कर सकते जी, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते। ओके सही है। वैसे कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो चलो ये टॉपिक फिर हम बाद में कभी करेंगे, लेकिन अभी जो है ना हम जा रहे हैं मस्जिद। आज वैसे है 23 अक्टूबर। आज हमने वैसे एक बोंगी मारी है। पाकिस्तान इंडिया का मैच था और हम घूमने आ गए हैं। लेकिन जैसी सिचुएशन चल रही है ना, उस स्टेडियम में बैठे भी लोग घूम रहे हैं पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, इतनी विकटें देख के, उस सिचुएशन को देख के सोच रहे हैं कि अच्छा ही फैसला है। आगे फैसला है, लेकिन टिकटें ली थी वो भी ये सोच रहे होंगे। लेकिन फिर भी सपोर्ट हमारी फुल पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह जीतेंगे। इसको निकाल के ये अभी भी जो है ना इंडिया के साथ ही है। नहीं नहीं, मैं इंडिया के साथ नहीं हूँ, जस्ट रियलिस्टिक हूँ मैं। अगर कुछ भी हो सकता है, मे बी कुछ हो जाए, देखते हैं। इतना रियलिस्टिक नहीं होते आप, हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि अगर मुझे गालियाँ लिख के भेजिएगा अगर पाकिस्तान जीत गया ना और मैंने कहा कि उसने नहीं जीतना, तो गालियाँ लिखनी है आपने कमेंट्स में। अगर मैं सही था तो फिर आपने कहना है कि इनाम भाई आप ठीक थे, ये कमेंट्स में बताएं हमें। साजिद भाई तो फाइनली हम मस्जिद में पहुंच गए हैं। बाहर से तो वाकई बहुत प्यारा आर्किटेक्चर बना हुआ है। अभी अंदर जाते हैं, फिर अंदर से भी दिखाते हैं इंशाल्लाह।
सेंट्रल मॉस्क ऑफ कोलन यूरोप की बड़ी मस्जिदों में से एक और जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद 2009 में स्टार्ट हुई और कंट्रोवर्सीज की वजह से 2017 में कंप्लीट हुई। एक वक्त में तकरीबन 1200 नमाजी इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं एंड यू कैन ईजीली गेस फ्रॉम द आर्किटेक्चर कि ये तुर्किश मॉस्क है। और इस मस्जिद की एक और ख़ास बात कि इसमें जुमे की अजान पब्लिकली लाउड स्पीकर में होती है। मस्जिद के साथ कैफेटेरिया, लाइब्रेरी और कुछ शॉप्स भी हैं। कैसा टेस्ट है? हलाल। हलाल तो है, टेस्ट कैसा है? मॉस्क हमने देख लिया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मॉस्क है, कैसे पीछे नज़र भी आ रही है अभी भी। तो उसका जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन अंदर से बाहर से बहुत खूबसूरत बना हुआ है और जो उसका बाहर वाला आर्किटेक्चर है वो इंस्पायर्ड है फूल से, उसकी जो पत्तियां होती हैं जिस तरह जो पेटल्स होते हैं उससे। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और वैसे भी ये कहते हैं जब अपनी कोई चीज़ मिलती है तो फिर बंदे का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गुजारने को दिल करता है। तो अभी हम निकले हैं वहाँ से और अब हम जा रहे हैं दूसरी एक जगह पे। कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ज़ू फ्लोरा राइन ज़िन बान। समझ लगी, दोबारा बोली। ज़ू फ्लोरा राइन ज़िन बान। ओके, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे वो है कार केबल। केबल कार, ओके। तो शहर के अंदर केबल कार का क्या मज़ा है? शहर के अंदर ही तो है ये है। अच्छा ऐसे। अभी से आगे दिखाते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं ट्राम का, तो वहाँ से फिर ट्राम पकड़ के नेक्स्ट लोकेशन पे मिलते हैं। तो अब हमारी बारी आ गई है यार, अपनी बोंगियाँ मारना बंद करो और रेडी शेडी हो जाओ। डर तो नहीं लग रहा है? यार लग रहा है। लग रहा है क्यों? नहीं, डरने की वाली बात भी नहीं है, हम तेरे साथ हैं, अगर कुछ होगा हम तुझे पकड़ लेंगे। ठीक है सारी, तुझे डर लगता है? काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस है केबल चेयर का। ऑलमोस्ट आधा सिटी तो हमने ऊपर से देख ही लिया और ड्रोन व्यू भी था, एक किस्म का ड्रोन भी उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बल्कि ड्रोन से याद आया, मैंने मस्जिद वालों से पूछा था, मैंने कहा यहाँ पे मैं ड्रोन उड़ा सकता हूँ बाहर? तो वो कहते कि नहीं अभी अलाउ नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो मेरे ख्याल से संडे था तो वो फिर सिस्टम नहीं बन सका, तो वो फिर मिस हो गया।
ये देखो जी यहाँ पे कितने ज़्यादा लोगों ने जो है ना ताले लगाए हैं पूरे ब्रिज पे, दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी फुल जो है ना। मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना तालों वाली सरकार है, उसके कहने पे लोग लगा के जाते हैं ताकि ये जो है ना प्यार काम। ये भी पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग इस वजह से भी लगाते हैं उनके उनको उनका प्यारा महबूब मिल जी मिल जाए महबूब आपके कदमों में। दोनों कट्ठे यहाँ ताल लगाने आए हो जी? वीडियो बना रहे हो? हाँ जी, तस्वीर लेनी है भाई।